Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Rayson Bhatt and I am teacher at Boys Higher Secondary School. This is for class 10th subject science and my today's topic is nomenclature of organic compounds. So, today we will see organic compounds, their nomenclature. Okay, we have to follow some steps. So, we can follow these steps and we can give the name of an organic compound. Okay, so the first step is root word. The first step is root word. तो रूट वर्ड में हम चैन लेंथ देखते हैं. चैन लेंथ ये कार्बन वन भी हो सकता है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व तक देखते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रूट वर्ड है इनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं वो हम लिखेंगे. तो रूट वर्ड जो यहाँ पे है इनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं लिखेंगे हम यहाँ पे. इसके लिए मिथ है, इसके लिए इथ है, इसके लिए प्रोप है. उसके बाद हम लिखेंगे ब्यूट, ब्रैकेट में डालेंगे ए. इट इज पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक, डूडेक. ठीक है ना, तो यहाँ से ए डालेंगे, यहाँ पे ए डालेंगे. क्यों? हो सकता है कि जो प्राइमरी सफिक्स होगा ए हमें उस टाइम डालना है रूट वर्ड के साथ जब प्राइमरी सफिक्स जो होगा, प्राइमरी सफिक्स अभी हम देखेंगे प्राइमरी सफिक्स क्या होता है. जब प्राइमरी सफिक्स में पहले होगा कंसोनेंट, कंसोनेंट होगा. जब कंसोनेंट होगा प्राइमरी सफिक्स में, एग्जांपल अगर डाइन होगा, यहाँ से अगर ब्यूट वर्ड होगा चार कार्बन होंगे, तो एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ. अगर ऐसे होगा एक दो तीन चार, तो ये है सी एच टू, यहाँ पे सी एच है, सी एच है, सी एच टू है. अगर इसको हमें नाम देना होगा तो यहाँ पे कितने कार्बन हैं, चार है, तो ब्यूट लिखेंगे. अब यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, वैसे ये ईन था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है तो जो प्राइमरी सफिक्स बनेगा यहाँ पे वो होगा डाइन, वो होगा डाइन. तो हम लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे ब्यूट डाइन, बल्कि हम लिखेंगे ब्यूटा. तो हमें इस टाइम ए डालना है ए. तो अगर प्राइमरी सफिक्स जो है अगर वो कंसोनेंट से शुरू होता है, प्राइमरी सफिक्स अगर कंसोनेंट से शुरू होता है, जैसे यहाँ पे डी है ना, अगर प्राइमरी सफिक्स कंसोनेंट से शुरू होता है जैसे यहाँ पे डी है, उस टाइम हमें जो रूट वर्ड है ब्यूट पेंट वगैरह इनका रूट वर्ड है उसमें जो ए है उसको रिटेन करना है, तो हम लिखेंगे ब्यूटाडाइन, हम ऐसे लिखेंगे ब्यूटाडाइन. ठीक है ना, तो ये था रूट वर्ड के हवाले से. जो पहला स्टेप है वो है रूट वर्ड. अब हम देखेंगे उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है सफिक्स. तो जो सफिक्स होता है, सफिक्स ये नाम होता है, नेम आफ्टर पेरेंट नेम. ठीक है ना, तो अगर प्रीफिक्स की बात करेंगे वो होता है नेम किसी का, नेम बिफोर पेरेंट, बिफोर पेरेंट. तो सफिक्स में नेम आफ्टर पेरेंट, तो प्रीफिक्स में नेम बिफोर पेरेंट. अब जो ये सफिक्स होता है, दो तरह के सफिक्स होते हैं हमें हमारे पास. वी हैव प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स होता है, और सेकेंडरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स होता है और सेकेंडरी सफिक्स होता है. ठीक है ना, तो अब हम पहले देखेंगे सफिक्स के बारे में देखेंगे. तो दूसरा जो है ये है सफिक्स. तो सफिक्स में पहले हम देखेंगे प्राइमरी सफिक्स, हम देखेंगे प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स किसको हम बोलते हैं, जब अगर कार्बन जो चैन है अगर इसमें सिंगल बॉन्ड्स है, ठीक है ना, अगर डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, तो सिंगल बॉन्ड्स के लिए हम जो प्राइमरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं दैट इज एन. डबल बॉन्ड के लिए एन करते हैं इस्तेमाल, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन करते हैं इस्तेमाल. तब जाके जो नाम बनेगा वो होगा अल्केन, यहाँ पे अल्कीन,
यहां पे अवकाय, ठीक है ना। तो ये है प्राइमरी सुफिक्स। क्या है ये? प्राइमरी सुफिक्स। तो ऐसे भी हो सकता है इफ टू डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, अगर डबल बॉन्ड है, एक कार्बन कंपाउंड में डबल बॉन्ड है लेकिन एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, अगर दो होंगे, एक टू डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, उस टाइम जो प्राइमरी सुफिक्स होगा, उस टाइम जो प्राइमरी सुफिक्स होगा दो डबल बॉन्ड्स के लिए, प्राइमरी सुफिक्स जो होगा वो होगा डाइईन, ठीक है ना। अगर ऐसे ही दो ट्रिपल बॉन्ड्स है, इफ टू ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, अगर दो ट्रिपल बॉन्ड्स है तो ये होगा डाइआयन, ठीक है ना। ऐसे ही इफ, ऐसे ही अगर होगा, अगर डबल बॉन्ड्स अब होंगे क्या, इफ टू डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट तो डाइईन होगा प्राइमरी सुफिक्स, इफ टू ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट तो डाइआयन होगा, इफ थ्री ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, इफ थ्री डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, अगर तीन डबल बॉन्ड्स होंगे तो प्राइमरी सुफिक्स क्या होगा, प्राइमरी सुफिक्स उस टाइम होगा ट्राइईन, तो अल्किन के लिए ट्राइईन होगा। अगर इफ थ्री ट्रिपल बॉन्ड्स, अगर ट्रिपल बॉन्ड्स तीन होंगे तो ये ट्राई आयन होगा, ठीक है ना। डाइईन प्राइमरी सुफिक्स है लेकिन उस टाइम जब डबल बॉन्ड्स दो होंगे, डाइआयन प्राइमरी सुफिक्स है जब ट्रिपल बॉन्ड दो होंगे, ट्राइईन प्राइमरी सुफिक्स है जब डबल बॉन्ड तीन होंगे, ट्राई आयन जब प्राइमरी सुफिक्स उस टाइम ट्राई आयन है जब जो है ट्रिपल बॉन्ड ये तीन होंगे, ठीक है ना। तो ये था प्राइमरी सुफिक्स के हवाले से। अब हम देखेंगे सेकेंडरी सुफिक्स। ये था प्राइमरी सुफिक्स के हवाले से, अब हम देखेंगे सेकेंडरी सुफिक्स। क्या देखेंगे? सेकेंडरी सुफिक्स। तो सेकंड पार्ट जो सुफिक्स का है दैट इज सेकेंडरी सुफिक्स। सेकेंडरी सुफिक्स इट रेफर्स टू द फंक्शनल ग्रुप, इट रेफर्स टू एफ जी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास अल्कोहल है फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एसिड क्लोराइड हो सकता है, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड हो सकता है, एसिड एमाइड हो सकता है, नाइट्राइल्स हो सकता है, और नाइट्राइल हो सकता है एम माइनस ऑर्गेनशिप, थायोल्स भी हो सकता है, एम माइनस भी हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो ये है फंक्शनल ग्रुप। तो यहां से जो सेकेंडरी सुफिक्स होगा इनका, सेकेंडरी सुफिक्स वो क्या होगा, इसके लिए ऑल है, इसके लिए अल है, इसके लिए ऊन है, इसके लिए ऑयिक एसिड है, इसके लिए ऑयल क्लोराइड है, ऑयल क्लोराइड है एसिड क्लोराइड के लिए, इसके लिए एमाइड है, ठीक है ना, एमाइड है, तो नाइट्राइल्स के लिए नाइट्राइल है, ठीक है ना, नाइट्राइल्स के लिए नाइट्राइल है, थायोल्स के लिए थायोल है, एमाइनस के लिए एमाइन है, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी सुफिक्स है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, सेकेंडरी सुफिक्स। अगर अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इस हवाले से हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इस हवाले से हम कुछ अब एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहले लूंगा मैं, इट इज सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एच, ठीक है ना। ऐसे ही मैं लूंगा सी एच थ्री सी एच टू सी एन, ठीक है ना। ऐसे ही मैं लूंगा सी एच थ्री सी एच टू सी ओ सी एल, ठीक है ना। ऐसे ही मैं लूंगा सी एच थ्री सी एच टू सी एन, ठीक है ना। अब इनका नाम देते हैं, तो कैसे हम इनको नाम देंगे, इनको हम कैसे नाम देते हैं। तो पहले लिखेंगे हम रूट वर्ड, इनका रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स,
ठीक है ना, रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। तो रूट वर्ड यहाँ पे कितने कार्बन है, एक दो तीन, तो ये है प्रॉप, है ना, एक दो तीन कार्बन, यहाँ पे भी तीन कार्बन है, ये है प्रॉप, यहाँ पे भी तीन कार्बन है, ये है प्रॉप, यहाँ पे भी तीन कार्बन है, ये है प्रॉप, ठीक है ना। तो प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद हम देखेंगे प्राइमरी सफिक्स ये क्या है, यहाँ पे जो है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है ना, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, CH3, CH2, CH2, OH, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे N है ये, N, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी N है, सिंगल बॉन्डेड है, बेसिक जो कार्बन चेन है उसमें सिंगल बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे भी N लिखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी N लिखेंगे। अब सेकेंडरी सफिक्स, यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे ऑयक एसिड है, तो यहाँ पे ऑयल क्लोराइड है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाइट्राइल है। अब हम लिखेंगे इनका नाम, आयुपैक नाम, इनका आयुपैक नाम लिखेंगे, तो ये क्या है, ये है प्रोप एन ऑल, तो हम लिखेंगे प्रोपेनॉल, प्रोपेन। हमें यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, अगर सेकेंडरी सफिक्स में वॉवेल आता है पहले, यहाँ पे वॉवेल है, यहाँ पे भी वॉवेल है, यहाँ पे भी वॉवेल है, यहाँ पे कंसोनेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे वॉवेल नहीं है, यहाँ पे कंसोनेंट है। अगर सेकेंडरी सफिक्स में पहले वॉवेल आता है तो ये ई जो है प्राइमरी सफिक्स का ये हमें ड्रॉप करना है, ई जो है प्राइमरी सफिक्स का ये हमें ड्रॉप करना है। तो इसका नाम लिखने के लिए सेकेंडरी सफिक्स में पहले क्या आता है, वॉवेल आता है, ओ है, वॉवेल है, तो ई इसका ड्रॉप करना है, हमें लिखना है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, सो प्रोपेन ए एन ऑल बन गया प्रोपेनॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे ही हम लिखेंगे प्रोपेन, इट इज प्रोपेन ऑयक एसिड, प्रोपेनॉयक एसिड, प्रोपेनॉयक एसिड, इस ई को हमने ड्रॉप किया, इसी को हमने ड्रॉप किया, फिर लिखा इक एसिड, ठीक है ना, वाइक एसिड फिर लिखा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओ जो है वॉवेल है, वॉवेल है, वॉवेल है, अगर यहाँ पे वॉवेल होगा तो इस ई को हमें ड्रॉप करना है, फिर ये नाम इसके साथ जोड़ना है, सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स के साथ जोड़ना है। तो हमने लिखा प्रोपेनॉल, हमने लिखा प्रोपेनॉयक एसिड, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे है प्रोप एन, यहाँ पे है ऑयल क्लोराइड, तो ओ वॉवेल है, ई को ड्रॉप करेंगे तो हम लिखेंगे प्रोपेनॉयल, प्रोपेनॉयल क्लोराइड, तो इसका आईपैक नाम होगा प्रोपेनॉयल क्लोराइड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है ई को रिटेन करेंगे, क्योंकि आगे जो है सेकेंडरी सफिक्स में कंसोनेंट है, ठीक है ना, नाइट्राइल एन से शुरू होता है, कंसोनेंट है, तो हम लिखेंगे प्रोपेन नाइट्राइल, इट इज प्रोपेन नाइट्राइल। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट, हमने ई को यहाँ पे रिटेन किया, तो ई को उस टाइम रिटेन करना है, प्राइमरी सफिक्स में जो ई होता है उसको रिटेन करना है उस टाइम जब सेकेंडरी सफिक्स में कंसोनेंट होगा, जब सेकेंडरी सफिक्स में वॉवेल होगा तो उस टाइम ई को ड्रॉप करना है, ठीक है ना। सो दिस वाज रिगार्डिंग दी नॉमेनक्लेचर में कुछ स्टेप्स हमें देखने हैं, हमने देखा रूट वर्ड, ठीक है ना, हमने सफिक्स जो देखा है प्राइमरी सफिक्स उसको हम बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स उसको बोलते हैं, इसके बाद हमें देखना है प्राइमरी प्रीफिक्स एंड उसमें जो प्राइमरी प्रीफिक्स होगा और सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा उसको देखने के बाद हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, अगर उसमें, फिलहाल जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हमने देखा इनमें रूट वर्ड, हमने इनमें देखा कि प्राइमरी सफिक्स वो इनमें है, सेकेंडरी सफिक्स इनमें है, ठीक है ना। तो इनमें क्या है कि इनमें जो प्रीफिक्स है ना प्राइमरी प्रीफिक्स है ना इनमें सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो इनका नाम यही तक, इन्हीं स्टेप्स तक इनका नाम जो है ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना।
तो कुछ कंपाउंड्स है जिनमें प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, तो उन कंपाउंड्स का अगर हमें नाम देखना होगा तो हमें पहले जानना होगा ये कि प्राइमरी प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको बोलते हैं। जब हमने रूट वर्ड आज कंप्लीट किया, सफिक्स कंप्लीट किया, प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स कंप्लीट किया, तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद हम इस काबिल बन जाएंगे कि हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे सकते हैं, आयुपैक नाम। ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।